हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 23-24 मई 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीष्मकालीन परियोजना MRI लागू किया गया है या लागू किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्कूल। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। MRI एक ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट है जिसे प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए उनके कक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। इसका अर्थ है MRI है जो छत्तीसगढ़ी खेल का अभ्यास है। इस प्रोजेक्ट का अर्थ भी बच्चों को खेल खेल में सिखाने से है। यहाँ इस प्रोजेक्ट को ग्रीष्मकाल में बच्चों को सक्रिय रखने के लिए तैयार किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा माना जा रहा है, इसलिए अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। MRI प्रोजेक्ट को कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों में खोजी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति जैसे गुण विकसित करने में मददगार माना जा रहा है। इस परियोजना को भविष्य में बड़े स्तर पर तैयार किया जा सकता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो हाल ही में इस योजना को स्कूली में लॉन्च किया, आप इसका नाम याद रखिए, MRI ग्रीष्मकालीन परियोजना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना संक्रमण इलाज करते हुए जिन डॉक्टरों ने जान गंवाई है उसकी मांग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए शहीद के दर्जा। जो कोरोना के संक्रमित व्यक्ति को इलाज करते करते जो डॉक्टर की मृत्यु हो गई है उसे शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग है। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले डॉक्टरों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग तेज होने लगी है। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने कोविड से जान गंवाने वाले डॉक्टरों को शहीद का दर्जा की मांग की है। दोस्तों शर्मा का कहना है कि यह बलिदान वैसा ही है जैसा सीमा पर लड़ते हुए एक जवान अपनी शहादत देता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों तो जो डॉक्टर दोस्तों कोरोना संक्रमित व्यक्ति को इलाज करते करते उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी को मृत्यु न कह के शहीद का दर्जा दिया जाए, ऐसा इसका कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 1 जून से किस यूनिवर्सिटी का एग्जाम किया जाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिलासपुर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। अटल बिहारी विश्वविद्यालय जो बिलासपुर में है 25 मई से परीक्षा कराने की तारीख घोषित की थी, लेकिन रायगढ़ और जांजगीर में 31 मई तक लॉकडाउन होने के कारण यूनिवर्सिटी के परीक्षा को आगे बढ़ा दी। अब यूनिवर्सिटी ने एक नई समय सारणी घोषित की है, इसमें 1 जून से परीक्षा होगी। इसमें नियमित प्राइवेट भूतपूर्व व पूरक छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव किस विवाद में फंस गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एलोपैथी मेडिसिन। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी मेडिसिन और डॉक्टरों को लेकर दिए गए जो बयान है उसका विवाद बढ़ता जा रहा है। बयान पर भड़के छत्तीसगढ़ के जूनियर डॉक्टरों ने बाबा रामदेव पर महामारी कानून के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की है। वहीं बाबा को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। जो डॉक्टर है वो बाबा रामदेव से माफ़ी मंगवाने की बात कह रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियागढ़।